वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 12 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 12 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से क्विज के क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा, उनका नाम है अनंत बजाज। अनंत बजाज 41 वर्ष के थे और वह बजाज इलेक्ट्रिकल्स के चेयरमैन शेखर बजाज के पुत्र थे और उनका देहांत हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। अनंत बजाज ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत 1999 में की थी और उन्होंने शुरुआत में बजाज इलेक्ट्रिकल्स में बतौर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को फांसी कब लगाई गई थी? खुदीराम बोस से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ और खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ और उनको फांसी क्यों लगाई गई थी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे और उन पर अंग्रेज अधिकारी किंग्स फोर्ड को मारने का आरोप लगा था। दरअसल खुदीराम बोस को किंग्स फोर्ड को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और उनके एक साथी प्रफुल्ल हरेन यूरोपियन क्लब के बाहर किंग्स फोर्ड का इंतजार करने लगे ताकि वे उसे मार सकें, और रात के 8:30 बजे दोनों ने किंग्स फोर्ड की बग्घी पर हमला कर दिया। हमले में किंग्स फोर्ड तो बच गए लेकिन उनकी बेटी और एक अन्य महिला की मौत हो गई और इसलिए इस आरोप में 18 साल की उम्र में उन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर की जेल में 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसमें आपका आंसर होगा, खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मस्जिद तोड़ने को लेकर योजना के विरोध में हुई समुदाय के हजारों मुस्लिम धरने पर बैठे हुए हैं? तो इसमें आंसर आएगा, चीन में। और चीन का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय हुई समुदाय है और वहीं सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है उइगर। चीन प्रशासन ने कहा कि कई गुंबदों और मीनारों के साथ मध्य पूर्व शैली में बनी इस मस्जिद के निर्माण से पहले इजाजत नहीं ली गई थी। हालांकि सरकार ने प्रस्ताव रखा कि यदि चीनी शैली के मुताबिक मस्जिद में गुंबदों को तोड़कर उसकी जगह पगोड़ा बना दिया जाए तो वह इसे नहीं गिराएगी, लेकिन मस्जिद के प्रतिनिधि इसके लिए तैयार नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इडुक्की बांध किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा, इडुक्की बांध केरल राज्य में है और केरल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई हुई है और पेरियार नदी के लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए कोची एयरपोर्ट के डूबने की भी आशंका जताई जा रही है और बढ़ते जल स्तर की वजह से 24 बांध खोले भी गए हैं। इनमें इडुक्की बांध भी शामिल है जहां पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। जैसा कि आप मैप में केरल राज्य को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, केरल मालाबार समुद्री सीमा पर स्थित दक्षिण भारतीय राज्य है और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और केरल के प्रेजेंट राज्यपाल है पी सदाशिवम और केरल राज्य की भाषा है मलयालम। आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो ओणम केरल राज्य का राज्य उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि वह स्पेस फोर्स बनाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, अमेरिका ने। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पेंटागन में दिए अपने संबोधन में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के अपने छठे अंग के रूप में स्पेस सेना का गठन करेगा। माइक पेंस के अनुसार 2020 तक गठित होने वाली सेना में 4 स्टार अधिकार होंगे और अंतरिक्ष सेना गठन करने वाला अमेरिका दुनिया का दूसरा देश होगा। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष सेना गठन या स्पेस फोर्स बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो
स्पेस फोर्स बनाने वाला दुनिया का पहला देश है रूस, और रूस ने 1992 में अंतरिक्ष सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिको की नई सीईओ इंदिरा नुई के इस्तीफे के बाद पेप्सिको के नए सीईओ कौन होंगे? इंदिरा नुई 3 अक्टूबर को अपना पद छोड़ देंगी, और 3 अक्टूबर को ही रमोन लगोर्ता पेप्सिको के नए सीईओ का पद संभाल लेंगे। इसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर हैं, और वे आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई गूगल कंपनी के सीईओ हैं, और नेक्स्ट है राजेश धिंगरा। राजेश धिंगरा रिलायंस डिफेंस कंपनी के सीईओ हैं। आपको ये ऑप्शंस भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? सबसे पहले एशियाई खेलों से जुड़े आपके कुछ क्वेश्चंस कि एशियाई खेल कब खेले जाएंगे? ये 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में खेले जाएंगे। नेक्स्ट आता है, एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इस बार 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलेमबैंग शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के ध्वजवाहक होंगे नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछा गया था। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक या जेवलियन थ्रोर से संबंधित है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने अप्रैल में हुए गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी जो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और 20 साल के नीरज ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलियन थ्रो में पहली बार देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाला फेंक में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा के नाम की सिफारिश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने राज्यों से किन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहा है? आईटी एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के एक प्रावधान के तहत अब आपको बतौर यात्री ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन प्रमाण पत्र यानी आरसी की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप के जरिए लोग अपने असली कागजों की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रति को मूल प्रति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप। तो इसमें आपके ये दोनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईयर में लॉन्च की गई थी, और इसका लक्ष्य 500 या इससे अधिक की आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में सभी योग्य अपरिवर्तित आवासों के लिए सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है। और नेक्स्ट है, इस योजना का कार्यवाहन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसमें आपके तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी सही है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के बाद भी यह योजना चलती रहेगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से शुरू होकर 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई थी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। आपको ये डेट भी याद रखनी है, कई बार आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत गांव को 12 मासी सड़क मुहैया कराना है, यानी 12 मासी यानी जो आपका हर मौसम में चलती रहे, ऐसा ना हो कि भाई बरसात आने के बाद वो सड़क बंद हो जाए। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत मैदानी इलाकों के 500 या इससे अधिक आबादी वाले इलाकों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है, और पहाड़ी या मरुस्थली इलाकों में यह योजना 250 या इससे अधिक की आबादी वाले इलाकों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 को हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, और इसमें निम्नलिखित में से कौन से कदम सत्य हैं? आपका पहला पॉइंट है, नया बिल सीनियर अथॉरिटी से गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करता है। और नेक्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के तहत आता है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। हाल ही में SC ST एक्ट को नए संशोधन को राज्यसभा से मंजूरी मिली है और 7 अगस्त 2018 को इसे लोकसभा से मंजूरी दी जा चुकी है, और इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान पर लगाई गई रोक भी समाप्त हो गई है। 19 मई को SC ST एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, और ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल संशोधन करके फिर से पारित कर दिया गया, और अब तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान पर लगाई गई रोक दोबारा से हट गई है। तो इसमें आपके ये दोनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट आता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989। आपको ये ईयर भी याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ईयर के साथ याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 में बनाया गया था, और अब संशोधित बिल में उन सभी नए पुराने प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से हटा दिया था, और इसके तहत इन लोगों को समाज में एक समान दर्जा दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, और इन पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि ये अपनी बात खुलकर रख सके। इस एक्ट के तहत किसी की जाति को आधार बनाते हुए उस अपमानित करने को गैर जमानती अपराध माना जाएगा, और अब एक बार फिर से SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी से पहले किसी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी, साथ ही अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट है, अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव के साथ भारतीय क्रिकेट नियामक मंडल यानी BCCI के लिए संविधान के मसौदे की मंजूरी दे दी है। नए निर्णयों के बारे में निम्नलिखित में से आपके कौन से पॉइंट ठीक है, यह आपको पता लगाना है। आपका पहला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने सौराष्ट्र, वडोदरा, मुंबई और विदर्भ क्रिकेट संघों को सदस्यता दी है। नेक्स्ट है, अदालत ने रेलवे सेवाओं यानी सर्विसेज और विश्वविद्यालयों के एसोसिएशन की पूर्ण BCCI सदस्यता बहाल की है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सदस्यों के लिए वन स्टेट वन वोट पॉलिसी पर अपने पहले के आदेश को भी संशोधित किया है। पहले आदेश था एक राज्य से एक वोट होगा और एक राज्य में सिर्फ एक क्रिकेट संघ होगा, उसके पास पूर्ण सदस्यता और BCCI में मतदान का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दिए गए फैसले में इसे मंजूरी दी थी। इस कारण मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जैसे क्रिकेट संघों ने स्थायी सदस्यता और मतदान के अधिकार गंवा दिए थे, और ये सभी अपने अपने राज्यों से अलग BCCI के स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा रेलवे सर्विसेज और यूनिवर्सिटीज को भी स्थायी सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा फैसले के बाद इन क्रिकेट संघों के मतदान के अधिकार फिर से मिल गए हैं। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने अपने लिए महामहिम शब्द के प्रयोग करने पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और आपको उस राज्य के राज्यपाल का भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। क्विज के लिए सेकंड क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने राज्य में भीख मांगने को अपराध क्षेत्र से बाहर कर दिया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और मद्रास। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए,
और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।